दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म भरने को लेकर और रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है। कई कोर्सों के रिजल्ट जारी हुए हैं और समर्थ पोर्टल से एग्ज़ाम फॉर्म भरने को लेकर भी अपडेट है। चलिए आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप लोग ये लेटेस्ट न्यूज़ देख पा रहे होंगे। अब समर्थ पोर्टल पर भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म अब छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल से भरने होंगे। नवंबर के पहले सप्ताह से समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का काम शुरू होने की संभावना है। अभी भी काम चल रहा है, अभी भी पोर्टल तैयार नहीं हो पाया है। जिन विद्यार्थियों ने सीसीएसई की वेबसाइट पर जाकर पहले ही फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया हो सकता है कि उनको अपना डाटा वेरीफाई करना हो कराना हो, फिलहाल अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उन लोगों का क्या होगा, दोबारा फॉर्म भरना है नहीं भरना है क्या करना है। ठीक है, अभी जल्द ही स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रेणु अग्रवाल और आईजी कॉलेज प्रथम परिसर के आचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 20 नवंबर से बीए बीएससी और बीकॉम की सम सेमेस्टर परीक्षा प्रस्तावित हैं। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अब सीसीएसई को इस पर रोक लगाकर समर्थ पोर्टल से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो फॉर्म है आपके समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे, फॉर्म की जो नई डेटें हैं वो भी जल्द आएंगी। ये डेटें तब आएंगी जब समर्थ पोर्टल तैयार हो जाएगा। समर्थ पोर्टल को तैयार होने में अभी भी टाइम लगेगा। बताया गया है कि सभी फॉर्म केवल समर्थ पोर्टल पर ही भरे जाएंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर सही करने के लिए छात्रों को समर्थ पोर्टल पर ही लिंक मिलेगा। ऐसे में 20 नवंबर से होने वाली परीक्षा की उम्मीद कम है। ये परीक्षाएं दिसंबर माह तक शुरू हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बड़ी अपडेट है। एग्ज़ाम की जो डेट है आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म अभी लगभग आधे भरे गए हैं, आधे एग्ज़ाम फॉर्म अभी रह गए हैं। अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 10 दिन मिले, यानी 10 नवंबर तक मान लीजिए एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए, तो फिर 10 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो है आपके 20 नवंबर से अब नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एग्ज़ाम की जो डेट है आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में पहुँच सकती है आपकी एग्ज़ाम डेट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी बीकॉम के हैं, आप देख लें कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, सीसीएसयू कैंपस का जो समर्थ पोर्टल है वो चालू हो गया है। आप कैंपस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, जबकि एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनके लिए अभी पोर्टल चालू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में पोर्टल शुरू हो जाएगा और पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। नवंबर का पहला सप्ताह आज है आपका 26 अक्टूबर, 5 दिन इस महीने में रहे हैं और नवंबर आने में 5 दिन रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 4-5 दिन अभी और लग जाएं। फिलहाल आप इस चैनल पर बने रहिए, जैसे ही ये पोर्टल आपका शुरू होगा आपको हम बता देंगे और आप अपना फॉर्म भर लेना। इस पोर्टल से फॉर्म कैसे भरना है आपको बता देंगे, एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको बता देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट और करिए। बताया गया है कि नवंबर के पहले हफ्ता में आपका ये पोर्टल शुरू हो सकता है, एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। 20 नवंबर से एग्ज़ाम होने की संभावना अब कम नज़र आ रही है। मान लीजिए कि 5 नवंबर तक ये पोर्टल चालू हुआ, 10 नवंबर को 10 दिन कम से कम एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। 15 नवंबर हुआ, अब 5 दिन में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एग्ज़ाम की जो डेट है 20 नवंबर से बढ़कर या तो 29 या 30 नवंबर या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में रहेगी। एग्ज़ाम स्टार्टिंग डेट दिसंबर के पहले हफ्ते में रह सकती है, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर से भी। अगर ये अपडेट है कि बीए और बीएससी के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है। कॉलेज कोड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रिजल्ट आ गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आप एग्ज़ाम फॉर्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको हम कम्प्लीट जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।